नमस्ते। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने डिपेंडेंट चाइल्ड को, यानी अपने डिपेंडेंट बच्चों को जो कि कनाडा में नहीं है, आप कनाडा में बुला सकते हैं, इमिग्रेट करा सकते हैं। ये तब जब आप खुद या तो कैनेडियन सिटीज़न हैं या कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस आपके पास है। तो अगर आप कैनेडियन सिटीज़न हैं या परमानेंट रेजिडेंट होल्डर हैं, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है आपके पास और आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, कनाडा में नहीं रहते, तो आप उनको यहाँ कैसे बुला सकते हैं? ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ डिपेंडेंट बच्चों के लिए है, यानी वो बच्चे आप पे जो निर्भर हैं। एक फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप करके प्रोग्राम है जिसके थ्रू, जिसके अंतर्गत आप बुला सकते हैं अपने बच्चों को। आप डिपेंडेंट चाइल्ड, या डिपेंडेंट चाइल्ड किसे कहा जाता है, कैसे कैसे ये प्रूव हो कि कैसे साबित करेंगे आप कि जो बच्चा है वो आप पे निर्भर है? तो पहली चीज़ ये, तो आप खुद कैनेडियन सिटीज़न या पीआर होल्डर हो। दूसरी चीज़ ये कि जो आपका बच्चा है वो शादीशुदा ना हो, ना ही किसी कॉमन लॉ रिलेशनशिप में हो। तीसरी चीज़ ये है कि आपका बच्चा 22 साल से कम उम्र का हो। अगर आपका बच्चा 22 साल से ज़्यादा उम्र का है, तब किस सूरत में आप उसे बुला सकते हैं? पहली बात तो अगर आप ये प्रूव कर सकें या आप साबित कर सकें कि वो फिज़िकली या मानसिक तौर पर इतना काबिल नहीं है कि वो खुद का ख्याल रख सके, इसलिए वो आप पे डिपेंडेंट है। या फिर आप ये साबित कर सकें कि जब वो 22 का हुआ आपका बच्चा, उससे पहले से ही वो आप पे फिनेंशियल या पैसों के लिए आप पे निर्भर है। मतलब आप उसे फिनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, आप उसे पैसा देते हैं, तभी वो अपना ख्याल रख पाता है या उससे उसका खर्चा चलता है। अब ये तो बात हुई डिपेंडेंट बच्चे की। अब आप क्या एलिजिबल हैं अपने बच्चे को यहाँ बुलाने के लिए, वो कुछ चीज़ों से पता चलता है। पहली चीज़, जैसे मैंने कहा, आप कैनेडियन सिटीज़न, आपके पास यहाँ की नागरिकता होनी चाहिए या परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए हो आप। दूसरी चीज़ ये, आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए हो। तीसरी चीज़ ये, आपको अपना रिलेशनशिप प्रूफ करना है कि ये आपका बच्चा है जो आप पे डिपेंडेंट है, या आपके स्पाउस का बच्चा है जो आप पे डिपेंडेंट है। फिर ये चीज़ है कि आप खुद प्रिजन में ना हो, जेल में ना हो, आप पे कोई कार्रवाई ना चल रही हो, आप पे कोई इमिग्रेशन इन्वेस्टिगेशन ना चल रही हो, आप ऐसा ना हो कि आपने पहले भी कोई स्पॉन्सरशिप करी हो, अंडरटेकिंग साइन, और आप उसमें डिफ़ॉल्ट हो, यानी आपकी उसमें कुछ कहीं आपकी कोई गलती पकड़ी गई हो, आपने उसमें कुछ गलत कर रखा हो। फिर ये चीज़ हो कि आप किसी खुद ही इनकम सपोर्ट पे ना हो, ऐसा ना हो कि सरकार आप ही को असिस्टेंस दे रही है रहने के लिए। हाँ, अगर आपको डिसेबिलिटी की वजह से असिस्टेंस मिल रही है तो वो अलग है, तो वो तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें आप बुला सकते हो। अब ये जो अंडरटेकिंग है, जो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है अपने बच्चे की, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी लेंथ क्या है? तो अब ये ध्यान रखिए, अगर आपका बच्चा 22 साल से कम उम्र का है और तो आपको 10 साल की अंडरटेकिंग मिलती है, या फिर 25 साल जो पहले पूरा हो जाए। यानी अगर आपका बच्चा 18 साल का है तो 10 साल का मतलब 28 हुआ, लेकिन नहीं, 25 पे वो अंडरटेकिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना? तो 10 साल या 25 साल जो पहले पूरा हो जाए। और आपका बच्चा अगर 22 साल से ऊपर है, उसकी उम्र ज़्यादा है, तो वो 3 साल के लिए आपको अंडरटेकिंग मिलती है। तो बस ये फैमिली क्लास स्पॉन्सरशिप है जिसकी एलिजिबिलिटी है। मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट चाइल्ड किसे कहते हैं और आप कैसे, आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपको इन सब चीज़ों से पता चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।